शर्मनाक हार के बाद बौखलाए विलियमसन ने लोकेश राहुल के लिए ये क्या कह दिया, आप भी नमस्कार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेहमान टीम भारत ने जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को इस मैच में 7 विकेट से हराया और इस सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली। अब सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन में 29 जनवरी को खेला जाएगा। भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। टीम सऊदी के ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया और फिर भारत को जीत दिलाई। टीम इंडिया ने 15 गेंदे रहते जीत हासिल की। इससे पहले छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करने की कोशिश में श्रेयस अय्यर टीम सऊदी को कैच थमा बैठे। 33 गेंदों में 44 रन बनाकर वह वापस लौट गए। अपनी इस पारी में उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के लगाए। केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में 50 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली और अपनी पारी में 3 चौके व 2 छक्के लगाए। राहुल ने इस मैच में फिनिशर की भूमिका निभाई। नवाब पवेलियन लौटे, उनका स्ट्राइक रेट 114.00 का रहा। केएल राहुल ने अपने मैच में ही अर्धशतक लगाया था। राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए शानदार 86 रन की साझेदारी की। लगातार शर्मनाक हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा, हमने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का हौसला बहुत सोच कर लिया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन से हमें 150 के नीचे ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक लोकेश राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की है और इसी वजह से हम मैच में पिछड़ गए। उन्होंने कहा कि लोकेश ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पारी को संभाला।